नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे भारत के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो को मैं एक अलग उद्देश्य से बना रहा हूं। आज तक आप लोगों ने बहुत सी वीडियो देखे होंगे, मैं भी कई वीडियो डाल चुका हूं। ये वीडियो इतना उपयोगी है क्योंकि आज के टाइम में हर एक गाँव में, हर एक घर में, वो गांव हो या शहर हो, कस्बा हो, कहीं पर भी हो, क्या होता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, जब वृद्धावस्था आ जाती है इनकी, तो कहीं पे तो ऐसा होता है कि बहू और बेटे सेवा नहीं करते हैं, और कहीं पे ऐसा होता है कि कुछ लोगों के कोई होता ही नहीं है, वो बेचारे अकेले तन्हा पड़े रहते हैं। मेरे पास कई कमेंट भी आए हैं कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम अकेले पड़े रहते हैं, हमारी कोई देख रेख करने वाला ही नहीं है, मतलब कि उनके पास कोई संपत्ति भी नहीं है, कोई आय भी नहीं किसी प्रकार की, कोई रिलेशन वाला भी उनका आकर के सेवा करे। कानून तो बहुत बने हैं कि संबंधी भी कर सकते हैं, माता पिता करते हैं सेवा के लिए, बेटे करते हैं, बहू करते हैं, बेटियाँ करते हैं, पर जब किसी के पास कोई आय नहीं रहती है तो कोई करने के लिए नहीं जाता है। इस विषय पे क्या होता है कि वो लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं, टोला मोहल्ला वाले कुछ दे दिए तो खा लिए बेचारे, नहीं तो ऐसे पड़े हैं दवा के लिए, कहीं दर्द है तो भी दिक्कत में है, मतलब कि कोई भी हो तो उनको इतनी तकलीफ में है कि आप लोग अक्सर देखते होंगे अपने टोला मोहल्ला या कहीं आस पड़ोस में ऐसे घटनाएं आपको देखने को मिलती होंगी। यहाँ तक कि कुछ लोग क्या होते हैं कि घर भी नहीं रहता है तो रोड पे पड़े होते हैं, हर जगह देखने की चीज़ आप लोगों को मिलती होगी। इस बात को लेकर के सरकार के लिए जो ये सीनियर सिटीजन लोग हैं, जो रोड में पड़े हैं, इधर उधर पड़े हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा, अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये कमेंट के थ्रू आधारित है, कोई जजमेंट कोई किसी प्रकार से नहीं, कमेंट के थ्रू आधारित है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं, हम ऐसे अनाथ जैसे पड़े हैं, हमारे विषय में सरकार कुछ करे। तो उसी विषय में ये वीडियो बना रहा हूँ कि सरकार आप लोगों के विषय में क्या करे। तो दोस्तों, बात ये है कि जो गांव और गांव भाई या कस्बे में या शहरों में एक ऐसा सर्वे होना चाहिए कि इस गांव में 20 बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि जिनकी कोई आय नहीं है, जिनकी कोई किसी प्रकार के रिलेशन वाले न लड़के हैं, न लड़की हैं, न सेवा करने वाले हैं, मतलब ये एक अनाथ टाइप में पड़े हैं, कहीं रोड पे पड़े हैं तो कहीं किसी के दरवाजे के पास छत मिल गई तो वहाँ लेट गए हैं, मतलब कि मांग के खा रहे हैं, गलियों में भीख मांग कर जिसे बोलते हैं लोग बाग, तो उनको मजबूरी में भीख मांग के खाना पड़ रहा है और वो भी नहीं मिल रहा है। तो इस उद्देश्य के लिए सरकार को एक ऐसा सर्वे करना चाहिए हर एक गांव में, जैसे कि इसके लिए वोटर आईडी बनाने के लिए जैसे घर घर लोग बाग जाते हैं, तो एक घर घर सर्वे करवाना चाहिए, कितने बुजुर्ग अपने एक गांव के क्षेत्र में हैं, उसको किसी को एक मेन मुखिया बनाना चाहिए, जहां तक हो सके तो ग्राम प्रधान को ही गांव भी बनाना चाहिए, अदर में जो जैसा हो सरकार अपने रूल के हिसाब से बनाना चाहिए कि आपको ये चीज़ करवाना है, हर एक जगह पे एक मुखिया बनाना चाहिए। उन मुखियों का ये काम होना चाहिए कि अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में एक सर्वे करें, सर्वे करने के बाद कि कितने सीनियर सिटीजन हैं, इनको एक आंकड़ा लगाया जाए, आंकड़ा लगाने के बाद जिनके आगे पीछे कोई नहीं है उनको एक ऐसी जगह सुरक्षित करना चाहिए, हर एक गांव में, हर एक कस्बे में, शहर में एक बनवाना चाहिए, जैसे पंचायत भवन बनता है, कई एक प्रकार की सुविधाएं सरकार दे रही हैं, तो उसी में एक
ये भी संस्था को जोड़ दिया जाए कि गांव के जितने सीनियर सिटीजन हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं, वो लोग यहाँ रहेंगे और उनके खाने की, उनके रहने की, उनके दवा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। एक सीनियर सिटीजन पे कितना खर्चा रहा है, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, थोड़े ही बहुत मिलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर माँ बेटे, बाप बेटे में ऐसा नहीं है कि बहू और बेटे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। करते हैं, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, मगर कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल नहीं करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके कोई नहीं होता है। तो जिनके कोई नहीं होता है उनके लिए और जिनका नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो वहाँ पर रह करके टाइम टू टाइम अपना कम से कम भोजन उनको मिले, कहीं पर कोई तकलीफ हो गई शरीर में तो उनकी दवा हो सके। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार को एक विशेष सर्वे करवाना चाहिए सीनियर सिटीजनों के लिए, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन के विषय में वीडियो बनाता हूं तो मेरे पास उनकी समस्याएं आती है। उस बात को मैं सरकार से इस चीज़ को अपील करता हूं कि हर एक जगह एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वृद्धाश्रम तो बहुत खुले हैं पर हर एक जगह वृद्धाश्रम नहीं है, जिसके कारण बहुत से सीनियर सिटीजन हैं कि वो रोड में पड़े होते हैं, घर में पड़े हैं, तकलीफ में जी रहे हैं। वो भी एक मानव रूप में जन्मे हैं, पहले बचपना था, जवानी आई, उसके बाद बुढ़ापा आया, कुछ मजबूरी बस, कुछ कारण बस बुढ़ापे के विषय में कुछ ना सोच सकें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे लेटे रह जाएं। उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक मतदाता हैं। जितने सीनियर सिटीजन हैं 60 साल के ऊपर आते हैं वो भी तो मतदाता हैं, क्या उनको वो वोट नहीं देते क्या? वो लोग वोट देते हैं। जैसे वोट देते समय इनके जो प्रचारक होते हैं पार्टियों के घर घर पहुंचते हैं और उनको बाकायदे साइकिल में बैठा करके या बाइक में बैठा करके लेके जाते हैं, वोट दिलाते हैं। दोस्तों ठीक उसी प्रकार वही लोग अगर इस चीज़ को सर्वे करें कि वहाँ के एक दादाजी पड़े रहते हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उनके लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम में देखिए योगी जी कितना नेक काम किए हैं कि हर एक गांव में गौशाला खुलवा दिए हैं, जहां पे गांव में अगर गाय वो आपके घूम रही हैं तो उसे आप ले जा करके वहां पे रख सकते हैं, ग्राम प्रधान के अंडर में वो चीज़ रहता है। तो मानव के लिए भी एक ऐसी व्यवस्था सरकार कर सकती है पूरे देश में। केंद्र की सरकार जिस समय मोदी जी की सरकार चल रही है, वो चाहें तो ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सीनियर सिटीजन में ही हैं, और अगर सीनियर सिटीजन में है तो उस चीज़ को इन्हें उस तकलीफ को इन्हें समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसे करें कि जितने लोग हैं अपने भाई बंधु हैं उनको तकलीफ में ना रहें और वो इस तकलीफ से बाहर निकल सकें। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ ताकि इस बात को सरकार समझ सके, और सरकार तभी समझेगी दोस्तों जब इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करेंगे कि सरकार तक पहुंच सके। अगर ये बात सरकार तक पहुंचेगी तभी तो सरकार कुछ सोचेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है जब तक अपील नहीं की जाती, जब तक प्रे नहीं किया जाता है तब तक भगवान भी खुश नहीं होते हैं। अगर कुछ लेना होता है तो उनके दरवाजे के पास जाना होता है, ये खूब अच्छी तरह आप जानते हैं। तो जब ये बात सरकार तक पहुँचेगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ व्यवस्था दिया जाएगा सीनियर सिटीजनों के लिए, और आप लोगों का ही काम है कि इसको इतना शेयर करिए कि ये सरकार तक पहुंच सके, और ताकि आपके जो भाई बंधु हैं किसी कोई तकलीफ में जी रहे हैं वो इस चीज़ से बाहर निकल सकें। और जो लड़के हैं अगर माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ये वीडियो ही शेयर कर दें, ताकि सबके माता पिता को भला हो सकेगा। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो रंग से अपने गाँव में रहेंगे, अपने देश में जहाँ पैदा हुए वहीं रहेंगे और वहीं खाएँगे। जो आदमी की एक अंतिम इच्छा होती है कि हम जहाँ जन्मे हैं वहीं हमारी मृत्यु भी हो जाए, हर एक इंसान की यही ख्वाहिश होती है, तो भी उनका पूरा हो जाएगा और अपने देश दुनिया में रहेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ रही तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।